नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। बच्चों के जन्म में अंतर रखने वाली महिलाएं अनचाहे गर्भ से बचने के लिए गर्भ निरोधक दवाओं का सहारा लेती हैं, मगर वास्तव में गर्भ निरोधक गोलियां लेने के बाद भी प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का ही कहना है। जब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे गर्भ निरोधन पिल्स के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दरअसल ये पिल्स ओव्यूलेशन यानी ओवरीज में अंडे को बाहर निकलने नहीं देती, लेकिन सभी पिल्स इस तरह काम नहीं करती। कुछ पिल्स गर्भाशय के अंदर बनने वाली परत को ही मोटा कर देती हैं, जिससे अंडा स्पर्म के संपर्क में नहीं आ पाता। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सही तरीके से इन्हें यूज किया जाए तो ये गोलियाँ 99% तक असर करती हैं, लेकिन छोटी सी भी भूल गोलियां लेने के बाद आपको प्रेग्नेंट कर सकती है। गोलियों को सही तरीके से खाने पर सिर्फ 100 में से एक महिला के ही प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। गर्भ निरोधक लेते समय भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक भी दिन गोलियां मिस ना करें, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 1-2 घंटे पिल ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा घंटे का फर्क आपको मुसीबत में डाल सकता है। एंटीबायोटिक्स ले रही हैं तो गर्भ निरोधक ना लें, क्योंकि इससे पिल्स का असर कम हो जाता है। दवाई लेते समय उल्टी और दस्त लगे हों तो भी इसका सेवन ना करें। इसके कारण पिल्स शरीर से निकल बाहर निकल जाती हैं, जिससे उसका असर नहीं होगा।